वेलकम टू माई चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 14 ब्रांच अकाउंट 2 स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच के साथ। सबसे पहले इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है वो समझते हैं उसके फीचर्स से। फर्स्ट फीचर आता है फ्रीडम। इंडिपेंडेंट ब्रांच के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे ब्रांचेस को आज़ादी होती है अपने काम को करने के लिए, मतलब वो अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को आज़ादी के साथ कर सकती है और चाहे तो वो सामान को गुड्स को परचेज़ कर सकती है आउटसाइड सप्लायर से। जैसे डिपेंडेंट ब्रांच में होता है कि आउटसाइड सप्लायर से वो सामान नहीं खरीद सकती, उसको केवल हेड ऑफिस से ही सामान लेने की परमिशन होती है, पर इंडिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस से भी सामान खरीद सकती है या फिर बाहर सप्लायर से भी सामान खरीद सकती है। ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग करती है जैसे एक नॉर्मल कोई कंपनी अकाउंटिंग करती है। वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती है डबल एंट्री बुक सिस्टम को फॉलो करते हुए। यहाँ पे एक और बात बता दूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड, ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस अकाउंट प्रिपेयर करती है और जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करता है, और जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है जैसे 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च को जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो दोनों के अकाउंट को रिकनसाइल किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है कि हेड ऑफिस के अकाउंट में और ब्रांच अकाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो उसका डिफरेंस निकाल कर उसे मैच करवा लिया जाता है, जिसे हम रिकनसिलेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि सेंडर ने तो गुड्स भेजे हैं पर रिसीवर को गुड्स अभी तक नहीं मिले। बात समझ में आई? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि सामान भेजने वाले ने तो सामान भेज दिया पर वो सामान जिसको रिसीव होना था अभी तक उसको रिसीव नहीं हुआ, उसको गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं। यहाँ पे दो केस हैं जो गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में बताते हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर हेड ऑफिस ने कोई सामान ब्रांच को भेजा है, ठीक है, तो हेड ऑफिस इमीडिएटली ब्रांच अकाउंट को डेबिटेड कर दे, पर ब्रांच जो है हेड ऑफिस के अकाउंट को क्रेडिट तभी करेगा जब वो उसे एक्चुअल में गुड्स रिसीव होंगे। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, समझ लीजिए, हेड ऑफिस जो है ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, सामान भेज रहा है, तो जैसे ही हेड ऑफिस ने सामान भेजा चाहे ब्रांच को रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, वो तुरंत उसके अकाउंट को डेबिट कर देगा। लेकिन ब्रांच हेड ऑफिस के अकाउंट को तुरंत क्रेडिट नहीं करेगा, वो हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट तभी करेगा जब उसको एक्चुअल में गुड्स रिसीव होंगे। सिमिलरली केस 2 भी यही कहता है। समझ लीजिए कि ब्रांच जो है सामान वापस कर रही है हेड ऑफिस को, क्या कर रही है, ब्रांच जो है सामान वापस कर रही है हेड ऑफिस को, तो ब्रांच इमीडिएटली हेड ऑफिस के अकाउंट को डेबिट कर देगा, लेकिन हेड ऑफिस क्रेडिट ब्रांच अकाउंट को तब करेगा जब उसे एक्चुअल में गुड्स वापस मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? मतलब कि जो सेंडर होता है जब भी वो गुड्स भेजता है वो तुरंत डेबिट कर देता है अकाउंट को, लेकिन रिसीवर तभी अकाउंट को क्रेडिट करता है जब उसको एक्चुअल में गुड्स रिसीव होते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कैसे खड़ा करेगा? प्रॉब्लम इस तरीके से खड़ा करेगा, रिकनसिलेशन में प्रॉब्लम होगी। रिकनसिलेशन में प्रॉब्लम कैसे होगी कि समझ लीजिए अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है, ठीक है, सेंडर ने तो गुड्स भेज दिए और उसने तुरंत अकाउंट को डेबिट कर दिया रिसीवर के, लेकिन रिसीवर ने क्रेडिट नहीं किया। रिसीवर तो क्रेडिट तभी करेगा ना जब उसे गुड्स एक्चुअल में रिसीव होंगे, और वो अकाउंटिंग पीरियड तो ख़त्म हो गया है। अब हम सेंडर और रिसीवर के अकाउंट को जब मैच करेंगे तो वो मैच तो करेगा नहीं, तो यही प्रॉब्लम आती है जिसे हम गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। 2021 में हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे ब्रांच को, या फिर ये भी हो सकता है कि ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करे हैं एचओ को 2021 में, ठीक है। अब क्या है कि 31 दिसंबर 2021 को हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जिस दिन हम अपने सब कुछ फाइनलाइज करते हैं अकाउंट्स को। अब 2022 में एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो रहे हैं, 2022 में एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अगर हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं ब्रांच को तो ब्रांच को 2022 में मिल रहे होंगे, अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किए हैं एचओ को तो एचओ को रिसीव हो रहे हैं 2022 में। तो 2022 में ब्रांच या फिर एचओ जो सामान आ रहा है उसकी एंट्री क्रेडिट करेगी 2022 में, 2021 में नहीं करेगी।
अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब 2021 में हम जब लास्ट में बैठ के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे और जब हम रिकनसाइल कर रहे होंगे, हेड ऑफिस अगर ब्रांच अकाउंट से रिकनसाइल कर रहा होगा या फिर ब्रांच ऑफिस जो है हेड ऑफिस के अकाउंट को रिकनसाइल कर रहा होगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें गुड्स इन ट्रांजिट की एक एंट्री पास करनी होगी ताकि रिकनसलेशन सही से हो जाए। और ये एंट्री कैसे होगी, अब ये एंट्री क्या होता है, ये एंट्री या तो हेड ऑफिस अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करे या फिर ब्रांच अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करे, और जनरली ये हेड ऑफिस के अकाउंट में ही एडजस्टमेंट करी जाती है। ठीक है, फिर भी हम दोनों एंट्री देख लेते हैं। अगर हेड ऑफिस ये एडजस्टमेंट करता है 2021 के फाइनल अकाउंट में, तो एंट्री किस तरीके से होगी, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट, क्या होगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर ब्रांच ये एडजस्टमेंट एंट्री करती है, अगर ब्रांच की एडजस्टमेंट एंट्री करती है, तो एंट्री क्या होगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। एक बात का ध्यान रखना है, ये एडजस्टमेंट एंट्री केवल या तो हेड ऑफिस में होगी या फिर ब्रांच अकाउंट में होगी। मतलब अगर हेड ऑफिस ने ये एंट्री पास कर दी है तो ब्रांच ये एंट्री पास नहीं करेगी, अगर ब्रांच ने ये एंट्री पास कर दी है तो फिर हेड ऑफिस ये एंट्री पास नहीं करेगी। पर जनरली केस ये होता है कि ये एंट्री हेड ऑफिस को ही पास करनी चाहिए, ब्रांच को नहीं करनी चाहिए। आई होप ये आपको गुड्स इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैश इन ट्रांजिट का। कैश इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि सेंडर ने कैश भेजा पर रिसीवर को अभी तक कैश नहीं मिला है। समझ में आ गया कि जिसे कैश भेजना था उसने तो भेज दिया है, लेकिन जिसे मिलना चाहिए था अभी तक उसको कैश नहीं मिला है और अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है। मतलब कि हम अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं 31 दिसंबर या 31 मार्च को, पर अभी तक रिसीवर को कैश नहीं मिला है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे है कि हेड क्वार्टर ने, समझ लीजिए हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर ने, उसने कैश भेजा है अपनी ब्रांच को, पर ब्रांच को अभी तक पैसा नहीं मिला। जब हम अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे और रिकनसाइल करेंगे हेड ऑफिस के अकाउंट को और ब्रांच के अकाउंट को, जब हम आपस में मिला रहे होंगे तो मैच तो करेगा नहीं, क्योंकि हेड ऑफिस तो अपने अकाउंट में दिखा चुका होगा कि मैंने तो ब्रांच को पैसा दे दिया है, पर ब्रांच ने अपने अकाउंट्स में ऐसा नहीं दिखाया होगा। तो इस केस में हम कैश इन ट्रांजिट का एक एडजस्टमेंट करते हैं, और वो एडजस्टमेंट कौन करेगा, हेड ऑफिस भी कर सकता है या ब्रांच भी कर सकता है, पर दोनों नहीं कर सकते और जनरली हेड ऑफिस ही करता है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी वो देख लेते हैं। अगर हेड ऑफिस एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहा है तो एंट्री होगी कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर ब्रांच अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहा है तो एंट्री होगी कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि ये एडजस्टमेंट एंट्री केवल या तो हेड ऑफिस करेगा, अगर हेड ऑफिस ने पास कर ली है तो ब्रांच नहीं करेगा, अगर ब्रांच ने ये एंट्री पास करी है तो फिर हेड ऑफिस नहीं करेगा, और जनरली ये हेड ऑफिस ही पास करता है। आई होप आपको कैश इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच। इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि हेड ऑफिस ने कोई सर्विस दी है ब्रांच को, ठीक है, तो फिर ब्रांच को उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेड ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ब्रांच के लिए कोई काम किया, तो ब्रांच की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सैलरी दे। हेड ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ ने ब्रांच को मदद की है उनके काम में, तो हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को का हक है कि उनको उसका पैसा मिले ब्रांच से। तो एंट्री कैसे होगी वो देख लेते हैं। हेड ऑफिस कैसे एंट्री पास करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सैलरी या फिर कोई भी अदर खर्चे हैं जो हेड ऑफिस उठाता है अपने ब्रांच के लिए, ठीक है, तो ये एंट्री होगी, क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। जैसे मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया कि हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कोई काम किया है ब्रांच के लिए, तो वो उनका हक है कि ब्रांच से उनको सैलरी मिले, ठीक है। और ब्रांच वाले कैसे एंट्री करेंगे, ब्रांच कैसे एंट्री पास करेगा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री पास होगी अगर हेड ऑफिस कोई खर्चा उठाता है ब्रांच के लिए। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट मेंटेन बाय हेड ऑफिस। जो भी फिक्स एसेट परचेज करी जाती है, जो भी फिक्स एसेट परचेज करी जाती है जो ब्रांच यूज़ करता है, उसका सारा अकाउंट्स जो है हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है। जो भी फिक्स एसेट, फिर से बोल रही हूँ, जो ब्रांच फिक्स एसेट्स यूज़ करता है उसका सारा अकाउंट्स हेड ऑफिस लेवल पे मेंटेन किया जाता है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन होता है वो ब्रांच अपने अकाउंट्स में दिखाएगा, ठीक है, वो फिक्स एसेट्स की परचेज की एंट्री नहीं दिखाएगा, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा। और कैसे दिखाएगा, ब्रांच एंट्री पास करेगा
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। आपने एक बात का ध्यान दिया कि हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे अपनी फिक्स एसेट का नाम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जो ब्रांच है वो केवल डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है फिक्स एसेट पे, वो फिक्स एसेट को अपना फिक्स एसेट नहीं मान सकता क्योंकि हेड ऑफिस उसको अपना फिक्स एसेट मानता है। इसीलिए यहाँ पे एंट्री हुई है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। और हेड ऑफिस कैसे एंट्री पास करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा केस आता है कि ब्रांच ने ऐसा फिक्स एसेट्स लिया है जिसका अकाउंट्स वो खुद ही मेंटेन कर रहा है, उसने मतलब ब्रांच ने फिक्स एसेट परचेज किया है उसका वो खुद ही अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहा, फिर नॉर्मल एंट्री पास करोगे जैसे होती है एक ना नॉर्मल एंट्री, जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मतलब कि ब्रांच ने एक मशीनरी खरीदी थी उसका डेप्रिसिएशन पास करना, डेप्रिसिएशन एंट्री पास करनी है, तो क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अगर ब्रांच जो है उस मशीनरी का अकाउंट मेंटेन कर रही है। अदरवाइज तो इसी तरीके से एंट्री होती है क्योंकि हम यही मानते हैं कि हेड ऑफिस लेवल पर ही वो फिक्स एसेट को माना जाता है, चाहे वो ब्रांच फिक्स एसेट यूज़ कर रहा हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो हेड ऑफिस ने ही उसको परचेज़ किया है। आगे बढ़ते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। देखो ब्रांच में भी आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि ब्रांच ए के पास सरप्लस स्टॉक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ है ब्रांच ए के पास, तो वो बी को दे देता है यूज़ करने के लिए। तो इस केस में ब्रांच ए सेंडर हो गया और ब्रांच बी रिसीवर हो गया सरप्लस स्टॉक का। तो यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी? पहले हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा। हेड ऑफिस कैसे एंट्री पास करेगा? ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ए अकाउंट, मतलब जो रिसीवर है हमने उसे डेबिट पर डाल दिया और जो ब्रांच ए है जो सेंडर है हम उसको क्रेडिट साइड पर डाल देंगे। ब्रांच ए अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगा? मतलब सेंडर जो उसने सरप्लस स्टॉक को भेजा है बी को, तो वो अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस अकाउंट। यहाँ पे हेड ऑफिस आ रहा है लिखा हुआ कि उसने गुड्स, हम ऐसे एंट्री नहीं कर रहे हैं कि ब्रांच ए ऐसे एंट्री नहीं कर रहा है कि ब्रांच बी को उसने गुड्स भेजे हैं। ब्रांच ए इस तरीके से एंट्री कर रहा है कि उसने हेड ऑफिस को गुड्स भेजे हैं। तो एंट्री इस तरीके से होगी ब्रांच ए के अकाउंट में। ब्रांच ए कौन है? फिर से बोल रही हूँ, सेंडर है जिसके पास सरप्लस स्टॉक है, मतलब काफ़ी स्टॉक बचा है जो कि उसने ब्रांच बी को दे दिया है। एंट्री क्या करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब बी कैसे करेगा? जो कि रिसीवर है सरप्लस स्टॉक का, जिसने स्टॉक को रिसीव किया है, वो कैसे एंट्री पास करेगा? गुड्स फ्रॉम हेड क्वार्टर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री पास होगी अगर इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन है, मतलब कि दो ब्रांच में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और उसी के साथ हमारा ये 14 यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्स सर्टिफिकेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।